गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनुजा वाघ आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस जबरदस्त सेशन में। दोस्तों, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और हमेशा से मेरी लाइफ में मैं एक पैसिव इनकम सोर्स चाहती थी और मुझे मोदी केयर मिला, मेरी इस चाह को राह मिल गई। आज मैं मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल पे हूँ। मोदी केयर में एज अ कस्टमर मैंने बहुत सारे ऑफर्स प्रमोशंस जीते हैं, तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर तो हूँ ही। उसके साथ साथ एक अच्छी मेंटरशिप के अंडर मैं मेरा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली डेवलप कर रही हूँ। आज श्रीलंका ट्रिप के भी क्वालिफायर हूँ, उस रेस में मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास जो है पावर है मेरे मेंटर्स की नॉलेज का। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारी गुरुमा सुरेखा मैम का, जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, और मेरे सारे मेंटर्स का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज इस सेशन की शुरुआत कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में जिसका नाम है स्पॉन्सर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हमारा ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसमें हमें नेटवर्क तो बनाना है, लेकिन नेटवर्क बनाना है लोगों का जिनको हमें लीडरशिप की तरफ लेके जाना है। तो लीडरशिप की क्वालिटीज लोगों में होती है पर शायद उनको पता नहीं होता, उसको जगाना, उसको एनहांस करने का काम एक लीडर का ही होता है। और हम ब्लेस्ड है कि हमारे पास एक इतनी पावरफुल लीडरशिप है जो हमें हर बार हर तरीके से जो है पावरफुल बनाती है, हमारे बिजनेस को फास्ट मोड में कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं इसके लिए। और इसी के सिलसिले में ये एक सेशन जो आज मैम ने रखा है उसके लिए मैं मैम को थैंकफुल करना चाहूंगी कि वो हमारे बारे में इतना सोचती है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि हम सभी के लिए इस सेशन में जो भी जानकारी मिलने वाली है वो इतनी महत्वपूर्ण है जो हम सभी को हमारे बिजनेस को जो है वो नई ऊंचाई तक ले जाने में हेल्प कर सकती है। तो एज अ स्पॉन्सर हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां है वो हमें तो कुछ सीखनी है, इसके साथ साथ हमारे डाउनलाइंस को भी सिखानी है ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है इस नेटवर्क में वो बहुत सशक्त बन सके और अच्छी तरीके से हमारा अपना मोदी केयर का बिजनेस आगे ले जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन का, जिसे बताने के लिए हमारे पास एक सुपर डायनामिक पर्सनालिटी आज मौजूद है और मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो मेरी मेंटर है इस बिजनेस में। मैं प्राइड फील करती हूँ और ये प्रिविलेज लेती हूँ उनको इनवाइट करने के लिए, जो हमारी महाराष्ट्र की नहीं पूरी इंडिया की बुलेट ट्रेन के नाम से जानी जाती है, महाराष्ट्र की फास्टेस्ट मिलेनियर, हम सबकी चहेती ब्लैक डायमंड डायरेक्टर रोशनी अरोरा मैम का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी। वेलकम मैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनुजा, एंड आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव अ लीडर लाइक यू। सो गुड मोदी, क्या मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सैटरडे के इस स्पेशल सेशन में। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देऊंगी अपनी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम को, जो अपने तरफ से पूरी प्रयास करती है हम सभी को एडुकेट करने का और हम सभी का बिजनेस आगे बढ़े इसके लिए हर बार कुछ नया कुछ नया कुछ नया देने का। और आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने की कि मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं। तो सुरेखा मैम, आप जहां भी हो, मैं तहे दिल से धन्यवाद। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे अपलाइन हरीश वर्णा सर, अनिल सर, फिलिप सर, नीना मैम, सुरेखा मैम, संजय सर, सभी का, जिन्होंने इतना अच्छा गाइडेंस दिया है जिसके कारण आज मैं काबिल बनी हूँ कि मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट कर सकूँ। एंड थैंक्स टू मेरी एंटायर टीम, एंटायर लीडरशिप, उनके साथ के लिए, थैंक्स टू माई फैमिली, एंड आप सभी का भी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मुझे। सो दोस्तों, जैसे कि हम बात करें, आज जो टॉपिक है स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैट बॉक्स में लिखिएगा जहां भी है हम, कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं ये बिजनेस मेरा है, कितने लोग मानते हैं कि ये बिजनेस मेरा है, बिल्कुल चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये बिजनेस मेरा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होती है, राइट? तो क्या होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? वेरी गुड, काफी लोग मुझे दिख रहे हैं जो यहाँ पे चैट बॉक्स में जिन्होंने डाला है यस मी मी मी। तो उसको समझना और उसको महसूस करना और उसपे परिपक्व होके काम करना, ये काम होता है एक स्पॉन्सर का, एक लीडर का। और इसी को मैं आज बताने आई हूँ, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। और डुप्लीकेशन कब होगा? जब आप एक अच्छी कॉपी बनते हो, जब आप एक अच्छे स्पॉन्सर बनते हो, जब आप एक अच्छे स्पॉन्सर बनाते हो। कहते हैं ना कि आप इस बिजनेस को पहले खुद करिए फिर सिखाइए, मतलब
फर्स्ट डू इट एंड देन टीच इट एंड देन रिपीट इट, राइट। तो हमने देखा कि कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस हो जाती है, या कहीं ना कहीं इतनी फास्ट स्पीड में काम करने जाते हैं कि वो बेसिक्स जो है हमारे सिस्टम के स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो करने से घबराते हैं, डरते हैं, झिझक लगती है कि शायद मैं कर सकता हूँ या नहीं, या टेक्नोलॉजी। तो आपको बता दूं कि आप सब कर सकते हैं, आप सब कैपेबल है। आज एक प्रयास मेरी तरफ से ये टूल के थ्रू आप सभी को सिखाने का, जो भी मैं आप सिखा रही हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारी तरफ से ध्यान हटा के यहाँ पे अगले 40-45 मिनट इसको ध्यान से सीखिए, ताकि आप इसको अपनी टीम को सिखा सको और आने वाली आपकी जो भी लीडरशिप है, टीम मेंबर्स है, वो इसको इजीली डुप्लीकेट कर सके, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसको देखते हैं। स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सीखने वाले हैं हम इसमें आज? इसमें हम सीखेंगे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, क्या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हमके लगते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट बास्केट आपकी क्या बननी चाहिए, रीपर्चेस ऑफर, आपके लॉयल्टी रिवॉर्ड्स पॉइंट, एंड डीपी कैसे सर्च करें, ऑनलाइन ऑर्डर्स कैसे करें, डेमोज आपको 5 सिखाएंगे, देन आपकी माय मोदी केयर शॉप, पीवीवीवी, नए लोग आके पूछते पीवीवीवी क्या है, और नया जो आता है उसका एक टारगेट, बिकॉज डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की। तो आप सभी से बात करना चाहूंगी कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हो और वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार होता है, कितने लोगों को पता रहता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेना और किस प्रोसेस से करते हैं? अगर अपने बारे में बताऊं तो आज तक मैंने जब से ज्वाइन किया है, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जितने भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग की है सामने बिठा के उन्हीं से उनका रजिस्ट्रेशन कराया है। ये होती सबसे बेस्ट प्रोसेस, क्योंकि आपने सामने वाले को उसी समय एडुकेट कर दिया है, राइट। लेकिन उसके लिए काफी सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कि कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि अरे आज तक तो नहीं किया है, कैसे करें। कोई बात नहीं, पहले हम समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, उनको ध्यान से समझिए, और जब भी आप किसी से बात करें तो उनसे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले बात करिए। आप जब क्लियर डॉक्यूमेंट्स उनको बताते हो, उसके बाद कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो स्टेप्स भी हम देखते हैं। तो ये समझिए कि आज आप ये सीख लोगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला चीज होता है एमसीए नंबर, किसके अंडर आप रजिस्टर कर रहे हो, आपके अंडर है, ठीक है, आपके कोई डाउनलाइन के अंडर रजिस्ट्रेशन है तो उसका एमसीए नंबर रहना चाहिए। देन ये जो डिटेल्स यहाँ दिख रही है, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ को, एप्लीकेंट नेम को, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स हमको चाहिए रहती है। कंप्लीट एड्रेस एज पर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, आधार नंबर, नेम एज पर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, राइट। ये सारी डिटेल चाहिए रहती है हमको, और ये डिटेल्स हमें सारी मांगने की जरूरत किस तरह से हमें लेना है ये देखिए। आपको बेसिक मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एमसीए नंबर पता होना चाहिए, और ये डिटेल्स लेनी है। इसके साथ आप डॉक्यूमेंट्स उनसे ले सकते हो, पैन कार्ड है आपके पास तो पैन कार्ड की फोटो ले लीजिए तो पैन नंबर मिल जाएगा। आप उनसे एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आधार कार्ड आज सभी के पास है, तो आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक जब आप लेते हो तो आप एड्रेस प्रूफ के लिए आपको एड्रेस मिल गया, यहाँ से आप एड्रेस ले सकते हो, तो आपको ये मांगने की जरूरत नहीं, राइट। उससे ही आप ये डिटेल्स ले सकते हो। देन एनईएफटी, बैंक डिटेल हमें चाहिए रहती है, क्यों? क्योंकि सामने वाले से पूछिए आपको पैसा कैशबैक चाहिए कुछ जो आपके अकाउंट में आए, तो उसके लिए बैंक का कैंसिल चेक जिसमें आपको मिल जाएगा बैंक का नेम, उनका नाम बैंक में क्या है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। लेना आपको ये डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये तीन डॉक्यूमेंट्स सामने अगर कोई है तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप डॉक्यूमेंट्स उनके देख लेते हो, काइंडली या तो लीजिए नहीं या उनसे रजिस्ट्रेशन, कुछ चीजें उनको चेक करने बोलिए कि सारे डॉक्यूमेंट में नाम सेम होना चाहिए,
उनके सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम होना चाहिए, फोटो और जस्ट मिनट। या जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे आपको देखना है कि उनके सभी डॉक्यूमेंट, बैंक का चेक हो या उनका आधार कार्ड हो, सभी जगह नाम सेम होना चाहिए, राइट? अगर चेकबुक में दूसरा नाम है और आधार कार्ड में दूसरा नाम है तो रिजेक्शन हो जाते हैं NEFT के। दूसरा आपको देखना है, जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे वहां पे उनका साइज 5 MB रहना चाहिए और इमेज जो है एकदम क्लियर। अगर वो चेकबुक की फोटो है तो उसमें IFSC कोड, अकाउंट नंबर बहुत क्लियरली रीडेबल होना चाहिए, जूम करके देखिएगा जिससे वो रिजेक्ट ना हो। और आधार कार्ड जो है उसमें आधार कार्ड नंबर और नेम्स डिटेल एकदम क्लियरली होनी चाहिए। सो बेसिक चीजों का आप जब ध्यान रखते हो तो आपका ये रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है? सो आई होप डॉक्यूमेंट आर क्लियर। अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना। तो चलिए सबसे पहले डाउनलोड प्ले स्टोर में जाके मोदी केयर इस तरह से आइकन दिखेगा और ऐप को जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कराए और वहां पे नीचे जो रजिस्टर का लिखा रहता है उस पे हम क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। एक्सेप्ट करिए, MCA नंबर डालिए जिसके अंडर उनको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जिसके अंडर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका नाम दिखेगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने MCA नंबर राइट डाला है। उसके बाद ऊपर दिखते रहेंगे जिनका MCA नंबर डाला है और नाम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये चीज देखिए, यहाँ पे मिडिल नेम नहीं है। अगर किसी के आधार कार्ड में अगर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ना है तो आप फर्स्ट नेम स्पेस मिडिल नेम डालिए और फिर लास्ट नेम डालिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद अगर कोई एप्लीकेंट है, अगर वो वाइफ है हस्बैंड को को एप्लीकेंट बनाना चाहती है या हस्बैंड है वाइफ को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका भी नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालिए और नेक्स्ट करिए। तो जब आप नेक्स्ट पे जाते हो तो वो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि एड्रेस क्या है। अब ध्यान रखिए, बहुत लोग भूल जाते हैं और कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि उनके आधार कार्ड में कोई एड्रेस लिखा हो और वो कहीं और शिफ्ट हो गए हो तो उनके माइंड में ये रहता है कि मेरा तो मैं यहाँ रह रहा हूँ और डिलीवरी यहाँ आ जानी चाहिए, तो वो लोग अपना दूसरा एड्रेस डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको आपके आधार कार्ड का ही एड्रेस डालना है जो आधार कार्ड में मेंशन है, तो वो सारा एड्रेस आप यहाँ पे डालिए। अब यहाँ पे देखिए हाउस नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, वार्ड, ये सब दिया हुआ है। अब तो एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बॉम्बे में रहती हूँ तो मेरा हाउस नंबर है, ठीक है, मेरे बिल्डिंग का नाम है, सो आई कैन से 405 मॉर्निंग ग्लोरी, देन अप टाउन गार्डन या बिहाइंड GCC क्लब। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल गया तो मैंने डाला, राइट? वैसे अगर कोई छोटा सा गांव है और गांव में सिर्फ छोटा सा है तो एक आप उस एरिया का नाम दे दो, राइट? जैसे पुना टोली गोंदिया, तो यहाँ पे आप एड्रेस पे डायरेक्ट डाल दीजिए और लैंडमार्क डाल दीजिए, पिन कोड डालिए, स्टेट और सिटी आ जाते हैं। सो बहुत सिंपल है, राइट? आप स्टेट एड्रेस पे भी सारी डिटेल्स डाल के, लैंडमार्क डाल के इसको आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी ऑप्शनल है, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि ईमेल आईडी जरूर डालें अपना। पैन नंबर ऑप्शनल है बट डालिए जरूर, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें पैन कार्ड, पैन डिटेल सब अपलोड करनी है। नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बाद में बनवा के आप इसको डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन रोकना नहीं है, लेकिन अगर है तो उसे जरूर डालिए। मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो घर में रहते हैं, क्योंकि कुरियर जब आएगा तो कुरियर वाला फोन करता है, सो इसीलिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहिए। आई होप ऑल आर विद मी, ठीक है? देन आता है उसके बाद KYC इन्फो। हमने एड्रेस डाल दिया, अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है KYC अप्रूव कराने के। तो यहाँ पे अगेन चार ऑप्शन दिए रहते हैं, तो जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो उससे रिलेटेड नंबर आपको डालना पड़ता है, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, और आपको OTP आता है, राइट?
अब आज के समय में आधार कार्ड मैक्सिमम लोगों का लिंक्ड है, ठीक है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है तो जब आप आधार कार्ड नंबर डालते हो आपके उसमें ओटीपी आता है, आपके मोबाइल में ओटीपी आता है, और जब वो ओटीपी डालते हो इमीडिएटली आपका केवाईसी अप्रूव हो जाता है। तो बिल्कुल इजी वे हो गया है, मोदीकर ने बहुत अच्छा तरीका कर दिया है केवाईसी इमीडिएट अप्रूव कराने का। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनका आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं होता, उस केसेस में हम मैनुअल एंट्री करते हैं, वेरीफाई मैनुअली। वहां पे हम आधार नंबर डाल के वेरीफाई मैनुअली क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप अपलोड करें फ्रंट साइड बैक साइड आधार कार्ड का, और वापस वो पूरे एड्रेस जो आधार कार्ड में मेंशन है वो डालें। जब आप ये डालते हो इट विल टेक 2-3 डेज और 4 डेज टू अप्रूव इट, ठीक है। उसके बाद ये अप्रूव हो जाता है। अगर आपका फोटो क्लियर है, राइट, डिटेल्स क्लियर है, तो आपका केवाईसी अप्रूव हो जाता है। सो ये मैनुअल और ऑटोमेटिक प्रोसेस हमने केवाईसी की बताई। इसके बाद जब आप नेक्स्ट जाते हो तो कई बार ऐसा होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो बैंक का स्टेटमेंट नहीं रहता या कैंसिल चेक नहीं रहता, उस समय आप इसको डायरेक्टली सबमिट कर दीजिए, बाद में आप चेक अपलोड कर सकते। कोशिश करिए अगर उसी समय मिल जाता है चेक तो आप इसी यहाँ पे सारी डिटेल डालिए, आईएफएससी कोड डालोगे तो ये दोनों आ जाते हैं। देन कंसल्टेंट नेम जो आपका बैंक अकाउंट में है, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर, फिर आपको वो फोटो अपलोड करनी है जो आपकी चेक की है। 5 MB से छोटा साइज रहना चाहिए और क्लियर रहना चाहिए। ये करके जब आप सबमिट करते हो तो डेफिनेटली आपका केवाईसी एनईएफटी अप्रूव, आप एक अच्छे तरीके से अपने न्यू ज्वाइनी को रजिस्टर कर चुके हैं, राइट। सो दोस्तों ये होती है स्टेप्स। आई होप आप सभी मेरे साथ हैं, आपको क्लियर हो गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, राइट, और आपको रजिस्ट्रेशन करते समय क्या स्टेप फॉलो करनी है। तो कितने लोग आप कर सकेंगे अपने आप कॉन्फिडेंटली, चलिए बाहर जाइए, सामने जब मिलता है आपका प्रोस्पेक्ट उसी से आप डाउनलोड कराए ऐप, उसी के मोबाइल में उन्हीं से आप रजिस्ट्रेशन कराइए, तो ट्रेनिंग भी हो जाती है। वो अपना नाम गलत नहीं डालेंगे, वो अपना डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं डालेंगे, ना ही एड्रेस गलत डालेंगे, तो गलतियां कम होने के चांसेस होते हैं, प्लस आपका न्यू ज्वाइनी भी उसमें तैयार हो जाता है। सो ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट कम्स, अब आप रजिस्टर तो हो चुके हैं, इम्पोर्टेंट होता है कि जो रजिस्टर हुआ उनको उनसे बात करना, समझाना। कंज्यूमर बेनिफिट सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब वो परचेज करेंगे तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो आपको उन्हें ये एक बार एक्सप्लेन, भले ही वो हमारे प्लान में हमने बताया है, आपको वापस बताना है। जब आप परचेज करते हो तो हर प्रोडक्ट में 30 डेज की सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। आपने यूज किया और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मोदी केयर के ऑफिस में जाके आप रिटर्न कर सकते हैं। देन डिस्काउंट, जो भी सामान आप खरीदोगे उसमें आपको 5-30% बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एमआरपी डीपी मार्जिन रहता है, एवरेज 15% बेनिफिट मिलता है। देन हर महीने आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे रीपर्चेस जो है ऑफर, उसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे, राइट, कि ये फर्स्ट मंथ न्यू ज्वाइनी को पूरा मंथ रहता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से ये ऑफर आपको 15 तारीख तक ही रहता है, तो 15 तारीख से पहले परचेस करनी है। उसके साथ साथ कैशबैक, ज्वाइनिंग होती है आप परचेस करते हो 7% आपका कैशबैक शुरू होता है और ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता है। सो आपका कैशबैक भी जो है एवरेज 7-16% पर्सनल पीवी पे बनता है एज अ कंज्यूमर। उसके साथ लॉयल्टी, हर महीना जब आप शॉपिंग करते हो तो आपको लॉयल्टी मिलती है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, बट आपको ये चार्ट उनको दिखाना है। 3 महीने के सामान फ्री मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो हम आगे बताने वाले हैं, राइट। सो अब आपने ये बता दिया, आपने रजिस्ट्रेशन भी बता दिया, अब दोस्तों बात आती है कि बेनिफिट समझा दिया, बंदा एक्साइटेड है, उसकी फर्स्ट बास्केट बनाना स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस केस में दो ऑप्शन है, जो रजिस्टर हुआ है अभी तक वो श्योर नहीं है कि मैं कंज्यूमर हूं कि मैं बिजनेस करना है, अगर वो कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर ज्वाइन कर रहा है तो उसके घर के प्रोडक्ट्स उसको जो खरीदने हैं आप उनको परचेस करा दीजिए। वहां पे आपको कुछ अपने स्पेशल सजेशंस आप ये दे सकते हो, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट गाइड कर सकते हो,
वो एज अ कंज्यूमर है, उनको जो चाहिए वो आप परचेस करा दीजिए, ऑनलाइन कैसे वो हम आगे स्टेप्स में सिखाएंगे। लेकिन अगर उनके सपने बड़े हैं, वो कुछ इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं, एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेस डेवलप करने के लिए आए हैं, तो फिर बिजनेस को सिस्टमेटिक तरीके से करना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको एज अ कंज्यूमर, एक ग्राहक की तरह नहीं सोचना, आपको एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना है। तो जब आप ये बिजनेस शुरू किए तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को डेमो दिखाए, और डेमो दिखाने के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स होने जरूरी है, तो जो आप यूज भी करोगे और डेमो भी दिखा सकते हो। सो जो आपका पहला किट एज अ कंसल्टेंट बनता है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, राइट, जो आपने एज अ स्पॉन्सर न्यू ज्वाइनी को रिकमेंड करना चाहिए। आपने उन्हें एनवायरो चिप का डेमो जरूर दिखाना है, राइट, और उसके बेनिफिट्स बताने हैं, क्योंकि सिर्फ पहले मंथ ही ये ऑफर रहता है, 2 पे 1 फ्री, तो आपको सामने वाले को इसकी अच्छे तरीके से जानकारी देना जरूरी है। अगर आप इस जानकारी को नहीं देते तो 1 पर्सन का लगभग 800 रुपए का नुकसान हो सकता है, और यही जब आप सही तरीके से बताते हो तो वो अगेन आपके प्रति ट्रस्ट बाउंड बनता है कि आपने सही जानकारी दी और उन्हें फायदा करवाया। कि फैमिली में 3 मेंबर है और उन्होंने 2 खरीद लिया, 1 फ्री मिल गया, लगभग 800 रुपए का फायदा, राइट। सो आपको ये जरूर बताना है। और उसके साथ साथ देखिए, ये बिजनेस तो है, सबके ड्रीम, सबके डिजायर अलग अलग, सबकी पॉकेट अलग रहेंगी जो ज्वाइन कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे अगर बिजनेस ज्वाइन करने आए हैं तो कम से कम 50 PV की परचेस जरूर करे, राइट। उसके बाद 100 PV या होम शॉप ऑप्शन है, राइट, जिसको जितना तेजी से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे लगभग 50 PV का हमने एक बास्केट बताया है, जिसमें आप देख सकते हो ये 2000 रुपए के प्रोडक्ट है। सॉफ्ट वॉश का हम डेमो दिखाते हैं, देन हम स्टेरिक्लिन का डेमो दिखाते हैं, सिल्वर डिप का डेमो दिखाते हैं, स्पीक एंड स्पैन, डीओ, वंडर ड्रॉप, टूथपेस्ट। सो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वो खुद भी यूज करके फील करेगा। हैंड वॉश का भी हम डेमो दिखाते हैं, साथ साथ वो डेमो के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये उनकी फर्स्ट बास्केट एज पर मी मैंने रिकमेंड की है कि अगर कोई नए कंसल्टेंट आते हैं, इसके अलावा उन्हें और प्रोडक्ट खरीदने हैं तो बिल्कुल आप उनसे खरीदवाइए, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जो उनके डेमो बनाने के लिए यूजफुल होंगे, उनके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूजफुल होंगे। और अगर कोई कहता है नहीं मुझे एनवायरो चिप समझ में नहीं आ रहा, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है एज अ स्पॉन्सर, आपने कोशिश की है उनको फायदा कराने की, बट नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप दूसरे प्रोडक्ट 50 PV के, 3000 के शेयर कर दीजिए, जो उनके काम के हो वो चूज करके आप परचेस करा सकते हैं। ये एक किट आपके सामने है जो उनके एसेंशियल्स थिंग्स है जो वो यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने अभी फर्स्ट बास्केट बनाई, राइट। सो कितने लोग अब एक अच्छी बास्केट बना सकेंगे, इजी होगा आपको, आपने स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे, आपको और अपने टीम मेंबर्स को एक फर्स्ट बास्केट देना, गाइड करना, रजिस्ट्रेशन कराना, राइट, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आर यू विथ मी, अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, राइट। डेफिनेटली टीम में डुप्लीकेट कर सकोगे इजीली, काम आसान होगा आप लोगों का, फैंटास्टिक। दोस्तों मेरा मकसद यही है, हर मोदी के एरियन एक डिसिप्लिन से बढ़े, जिसमें हर जो जुड़ने वाला है ना, हमारा नया प्रोस्पेक्ट, एक अच्छा रिश्ता जुड़े, एक विश्वास का रिश्ता जुड़े, और एक प्रोफेशनल तरीके से हम अच्छे से काम करें। तो हमने देख लिया फर्स्ट बास्केट। अब बात आती है कि बास्केट बन गई है, सामने वाले को पूछे तो भाई साहब आपको जो है फ्री प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, हमने बताया था आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, तो चलिए आपको दिखाते हैं ऑफर्स क्या है। सो आपको उनको ऑफर्स दिखाने हैं, रिपर्चेज ऑफर एक जो आपको दिखाना है, उसके साथ साथ आप मंथ के जो दूसरे ऑफर्स आते हैं आप वो भी शेयर करिए, हो सकता है बास्केट बड़ी हो जाए एज पर नीड, लेकिन रीपर्चेज ऑफर उनको जरूर दिखाना है। जैसे कि आपने उनको बताया था 10% के फ्री प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि देखिए जो फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं इस तरीके से बिलिंग करने पे मिलते हैं, जब आप 1000 की बिलिंग करते हो तो ये 2 फ्री प्रोडक्ट के ऑप्शन है, आप 2000 की बिलिंग करते हो तो ये 2 में से आप कोई फ्री प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, या आप 3000 की बिलिंग कर रहे हो तो ये 3ों में से कोई फ्री प्रोडक्ट कर सकते हो, और अगर 5000 की परचेज है तो ये 5 ऑप्शन है।
सो वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, कि अगर मैंने 3,000 की परचेस की है तो पूरा ये प्रोडक्ट दामी मुझे चाहिए या टी ट्री ऑयल मुझे चाहिए तो चलो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, या अगर मुझे शैम्पू चाहिए, आंवला की टेबलेट चाहिए तो मैं ये दो अलग बिलिंग कर लेता हूँ। सो ये गाइडेंस देने से सामने वाले को जो जरूरत है वो परचेस करता है और हेल्पफुल होती है। अगेन ये आपका उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करती है, इसके साथ साथ उनको एडुकेट करती है। आप ध्यान में रखिएगा ये 1,000, 2,000, 3,000 और 5,000 के अलग अलग बिलिंग कर सकते हैं, ऐसे 11,000 तक की बिलिंग कर सकते हैं और लगभग 1,100 रुपए तक के फ्री प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ये आप उनको जानकारी दीजिए। दूसरी जानकारी आप जरूर दीजिए कि ज्वाइनिंग मंथ में आपको पूरा मंथ आप ये फ्री प्रोडक्ट्स ले सकते हो 11,000 तक की परचेस तक, लेकिन नेक्स्ट मंथ से जब आप खरीदोगे तो आपको और जो भी बंदे पुराने ज्वाइनीज है ये ऑफर 15 तारीख तक रहता है, रीपर्चेस ऑफर 15 तारीख तक रहता है। तो मेक श्योर कि आप अपने अगले मंथ की परचेस जो है 15 तारीख या 10 तारीख उससे पहले कर ले ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले। कुछ करेक्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन आधा घंटा दे के आप देंगे तो वो आगे के लिए आपके डाउनलाइंस के लिए बहुत अच्छा होगा, राइट? तो ये आपने उनको ऑफर बता दिए। देन कम्स जो हमने एक पॉइंट लिया था लॉयल्टी। अब बात आती है लॉयल्टी क्या है। 3 महीने के प्रोडक्ट आप कह रहे हैं मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे? सो बहुत अच्छे से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हमारा जो हम आजादी का आता है पूरा ऑफर्स का, उसमें इन शेयर रहती है डिटेल, तो उसी के थ्रू आप उन्हें ये एक्सप्लेन करिए कि क्या होती है लॉयल्टी। हम रेगुलरली बाहर से सामान लेते हैं दोस्तों, हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब आप मोदी केयर से सामान ले रहे हो तो आप लॉयल हर महीना परचेस कर रहे हो, आपकी लॉयल्टी और आपकी लॉयल्टी प्लस ये दो बेनिफिट ले सकते हो। कैसे, क्या है क्वालिफिकेशन पीरियड ज्वाइनिंग? अगर आप न्यू ज्वाइनी है तो 3 महीने तक, प्लीज नोट करिए, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, बहुत सारे अप्लाइंस को भी नहीं पता रहता और इस कारण बहुत सारी लॉयल्टीज भी मिस हो जाती है। तो जो नया ज्वाइनी है उन्हें फर्स्ट 3 महीने तक, मंथ के एंड तक, ज्वाइनिंग मंथ से लेके मंथ के थर्ड मंथ तक, 3 मंथ तक उन्हें मिलेगा जो है, थर्ड मंथ एंड तक मिलता है लॉयल्टी बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अगस्त में ज्वाइन होता है तो उसको लॉयल्टी परचेस का बेनिफिट पूरे अगस्त मंथ की परचेस पे रहेगा। देन सितंबर भी 30 जो मंथ एंड की डेट तक परचेस करता है तो वो सारे उसकी परचेस कंसिडर की जाएंगी, और अक्टूबर, ऐसे 3 महीने तक उसको मंथ एंड तक लॉयल्टी बेनिफिट रहता है। वेयर एज जो लोग पुराने हैं जिनको 3 महीने से ज्यादा हो गया ज्वाइन करके, उन लोगों को लॉयल्टी की परचेस 25 तारीख या उससे पहले करनी है तो वह लॉयल्टी बेनिफिट ले सकते हैं, राइट? सो याद रखिए, जिनके 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं इस बिजनेस में उन्हें लॉयल्टी लेना है तो उन्हें 25 तारीख से पहले बिलिंग करनी है। अब हम इतना कह रहे हैं लॉयल्टी बेनिफिट, लॉयल्टी बेनिफिट, तो समझिए अच्छे से क्या है ये लॉयल्टी बेनिफिट। तो चलिए देखते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम जरा ध्यान से। सो यहाँ आप देख सकते हैं मिनिमम 1,800 रुपए की परचेस हर मंथ करते हैं, 1,800 या उससे ज्यादा की, तो ऐसे आप 6 महीने तक कंसिस्टेंटली करते हैं, राइट? तो आपको 7वें महीने में 6 महीने के एवरेज फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। एक कूपन आ जाता है एक अमाउंट का जिसमें आपको 6 मंथ के एवरेज फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान में देने वाली, राइट? आप जब परचेस कर रहे हैं 1,800 से 2,499 रुपए तक, ठीक है, अगर आपकी परचेस 1,800 से लेके 2,499 रुपए तक होती है तो आपको 80% बेनिफिट होता है। आपका जो भी परचेस होता है उसमें जो लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे वो 80% मिलेंगे। वेयर एज आपने 2,500 या उससे ज्यादा की परचेस की तो आपको लॉयल्टी पॉइंट 100% मिलेंगे। तो मुनाफे में घाटा नहीं खाना है, जब 100 पॉइंट्स मिलते हैं तो 80% को क्यों ले, हम चाहते हैं अपने बच्चे भी 100% ले, तो जब हमें 100% मिलते हैं तो हमें लोअर साइड नहीं देखना है अगर हम बिजनेस करने आए हैं यहाँ पे। तो हमें 2,500 से ज्यादा की परचेस करना है,
अब क्या मैं 2500 से ज्यादा की परचेस करता हूँ तो मुझे 100% मिल जाता है, तो क्या मैं हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 की परचेस करता हूँ तो मुझे 15,000, 20,000 के फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे? नहीं, यहाँ पे एक कैपिंग है, एक आईडी पे आपको मैक्सिमम 7,000 रुपए का कूपन मिलेगा 6 महीने के बाद। तो आपकी वो कैपिंग है, एक आईडी पे आपका जो भी एवरेज अगर 8,000 भी बना तो आपको 7,000 रुपए का कूपन मिलेगा। उसके बाद लॉयल्टी प्लस क्या होता है, आप 6 महीने किए, आपको कूपन मिल गया, अब आप कंटिन्यू कर रहे हो और आपने 12 महीने तक पूरा कंटिन्यू परचेस किया, आप बन गए डबल लॉयल, तो आपकी लॉयल्टी प्लस तो होनी ही चाहिए। तो जब आप 12 महीने कंप्लीट करते हैं तो 13वें महीने में आपको दो कूपन मिलते हैं, एक कूपन जो 7 से 12 महीने का एवरेज होता है और दूसरा कूपन जो 1 से 12 महीने का एवरेज होता है। इस तरीके से पूरे साल में आपको 3 कूपन मिल जाते हैं। नाउ अगेन मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस चीज को कई साल होने के बाद भी नहीं समझते और फिर क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, आज आपका ये समझने का दिन है। राइट, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है कि दिसंबर से आपने परचेस शुरू की है, राइट, और दिसंबर में 3,000 का आपने परचेस किया, 2,500 से ज्यादा है, मतलब 100% लॉयल्टी वॉल्यूम आपको मिल गया। जनवरी में आपने 3600 का किया, यहाँ पे भी 100% लॉयल्टी वॉल्यूम मिल गया, लेकिन फरवरी में आपने 2,000 का किया तो यहाँ पे आपको 100% नहीं, आपको 1600, 80% ऑफ 2000 ही कंसिडर होगा, किया ना नुकसान, तो ये नहीं करना। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कन्वर्ट किए गए हैं, जो भी आपकी परचेज है उसका 100 और 80% अमाउंट उनको टोटल करके डिवाइड बाय 6 किया है तो ये आपका बन गया कूपन, लॉयल्टी अमाउंट, लॉयल्टी कूपन। अब ये कूपन की वैलिडिटी 6 महीने की होती है, आपको जो चाहिए परचेस कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आगे कंटिन्यू परचेस किया, यहाँ देखिए 18,000 का भी परचेस किया है, लेकिन कहीं 2400, कहीं 3800 ऐसा किया है, कहीं 2-2 हजार का। यहाँ पे हो गया एवरेज उनका अमाउंट 5487। तो कुछ तो बातें ध्यान में रखनी है कि ज्यादा गन्ने का रस निकालना है तो ये देखिए कि 2500 से कम तो होना ही नहीं चाहिए ताकि 100% मिले, और कोशिश करिए कि 5,000, 7,000, 7,000 अगर मिलता है मैक्सिमम तो आपका एवरेज 7,000 तो बन ही जाए, और ये 12 महीने का यहाँ पे टोटल करके निकाला है। सो आई होप आप सभी को अब अपनी लॉयल्टी कब तक करनी है, नए ज्वाइनी की कैसी होती है, राइट, लैप्स हो जाता है, किसी ने कहा दोस्तों बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो हमको ये ध्यान में रखना है पहली बात कि अपनी परचेज 1 से 10 में करनी है। दूसरी बात, 25 तारीख तक क्यों वेट करना, हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमको कोई दुकानदार फोन भी नहीं करता, फिर भी हम चले जाते हैं परचेज करके आते हैं, यहाँ तो आपको रोकड़ा मिल रहा है, फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उसके बाद 6 महीने होने के बाद ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तो रिस्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, खुद की लॉयल्टी और अपने डाउनलाइंस की लॉयल्टी का ध्यान रखें, आपने जिनको स्पॉन्सर किया है उनकी उनकी लॉयल्टी का ध्यान रखें, उन्हें बताएं कि आपकी लॉयल्टी आई है, आप परचेस कर लीजिए, और कंपनी ने अभी इतना बेहतरीन रिवॉर्ड्स पॉइंट लाया है जो सोने पे सुहागा है। पहले लगता था कि अरे इतने सारे प्रोडक्ट और क्या करेंगे, डोंट वरी, आपको घर का अच्छा सामान खरीदने के साथ साथ अगर आपके घर में खूबसूरत सी बेडशीट, खूबसूरत सा सूटकेस, ब्लूटूथ स्पीकर आ जाए बोट का वो भी, और फिर आपके पास किचन में पानी गर्म करने का जग जार आ जाए, सैंडविच मेकर, टोस्टर मेकर, अच्छा सा तवा, आप तो बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर ही रहे हो मोदी घर के साथ, सामान खरीद खरीद के आपकी एक वंडरफुल लाइफस्टाइल हो रही है, राइट। तो यस, मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगी, पहले पढ़ा लूं, ठीक है, फिर मैं साइड में देखते हैं, ओके। सो वो आया है रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो आपको करना क्या है रिवॉर्ड पॉइंट्स में हम देखते हैं। ये देखिए मैंने भी लिए थे, मेरे 7,000 रुपए की लॉयल्टी बनी थी और मैंने उसमें तवा लिया, मैंने बहुत ही बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर है जो बोट का, किधर भी जाओ पार्टी मनाओ और हैंड्स फ्री, इतना सुपर साउंड है, 10,000 रुपए की कीमत का है और हमने इसको फ्री में पाया जो हमारा कूपन, ऐसे कई सारे लीडर्स ले रहे। तो आपका काम क्या है, 6 महीने के बाद तुरंत 7वें महीने आपके और आपके डाउनलाइंस के जो भी लॉयल्टी बनती है कन्वर्ट करिए और इस अच्छे अच्छे गिफ्ट्स के लिए अपने आप को
एप्लीकेबल करिए, राइट, सो दैट आपके घर में अच्छे सामान और आए। तो चलिए देखते हैं रिवॉर्ड्स पॉइंट कैसे लेने का उसके बारे में। सो यहाँ पे आप जब modicare.com साइट में लॉगिन करते हो, लेफ्ट साइड में modicare रिवॉर्ड क्लब आता है, जहाँ पे आपको कैटलॉग मिल जाएगा जिससे आप चूज कर सकते हो कि मुझे क्या खरीदना है। रिवॉर्ड पॉइंट समरी देखिए सर्च करके कि आपके कितने रिवॉर्ड पॉइंट बने हैं, 4,000, 5,000, 6,000, कितने बने हैं, राइट। और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप जो भी आप पॉइंट्स कैसे होंगे, अगर आपके 5,000 की लॉयल्टी है तो आपको 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसको आप यहाँ पे जाके रिवॉर्ड पॉइंट समरी में जाके आप इसको एक्यूमुलेट रिवॉर्ड पॉइंट्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है। आप पॉइंट्स को जब रिवॉर्ड पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं तो रिडीम करने जाइए। आप जब रिडीम में जाओगे तो वहां पे आपको शॉपिंग का ऑप्शन देगा। अब क्वेश्चन ये कि मेरे 5,000 पॉइंट है, मुझे तो 7,000 का सामान पसंद आ रहा है, तो मैं खरीद सकती हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकती है। 5,000 पॉइंट यहाँ से कट होंगे, 2,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना है, तो वो आप कर सकती हो। क्वेश्चन नंबर टू कि अगर मेरी दो लॉयल्टी आ गई 7,000-7,000 की, तो मुझे सामान भी खरीदना है ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स का है, और मुझे modicare के प्रोडक्ट्स भी खरीदने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने किया है, 7,000 रुपए के जो है हमने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और 7,000 का पॉइंट कन्वर्शन करके गिफ्ट खरीदा है। सो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है modicare ने, इससे ज्यादा शायद ही कहीं मिलता होगा, राइट। तो आप प्रोडक्ट भी इंजॉय करो, आप रिवॉर्ड पॉइंट से अलग घर को अच्छे से संवारो, सब कुछ है। सो इस रिवॉर्ड पॉइंट का आप फायदा उठाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपका बिजनेस है, आप सभी ने कहा, तो आपको रिमाइंडर रखना जरूरी है लॉयल्टी कंप्लीट होने का, राइट, और अपने टीम मेंबर्स का भी। ओके, सो ये था आपका लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट। सो दोस्तों, लॉयल्टी समझ में आई, ऑफर समझ में आए, हमें अब परचेस करानी पड़ेगी ना। फर्स्ट बास्केट भी बना दी, अब परचेस कराने के लिए जो है ऑप्शन होते हैं कि MLC modicare का लाइफस्टाइल सेंटर अगर आसपास है तो वहां पे जाके हम परचेस कराएं, साथ में लेके जाए, थोड़ा सा काफी सारे प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हैं, एडुकेट करा सकते हैं, या उनके घर के पास में कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से आप परचेस करा सकते हैं। और अगर दोनों ऑप्शन नहीं है तो ऑनलाइन शॉपिंग तो है ही है, पूरे इंडिया में हमारे डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। तो चलिए इन्हीं को देखते हैं पहले। तो अब आता है क्वेश्चन, पता ही नहीं अगर मैंने कहीं दूर किसी को ज्वाइन किया, उसके घर के पास में मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है या नहीं, वो कैसे करना? तो चलिए हम देखते हैं। modicare ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है ऐप में, टू सर्च डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। आप लॉग इन करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन आइकन रहता है जिसमें आप DP सर्च कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करें, फिर ऊपर स्टेट डाले, सिटी डाले, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में जाके आप MCA नंबर डाल के आप सर्च कर सकते हो modicare। आपको उस एरिया का पिन कोड पता रहना चाहिए, तो वहां पे आपको DP के एड्रेसेस आ जाएंगे। अब जब आपको DP के एड्रेस मिलते हैं, राइट, आपने DP के एड्रेस लिए, आपको पता चला, अब आप कुछ लोग करते हैं क्या कि जो ज्वाइन हुआ उसको फॉरवर्ड कर देते हैं वो एड्रेस कि भाई साहब ये आपके घर के पास DP है, जाके आप खरीदी कर लो। नॉट अ रिस्पॉन्सिबल अपलाइन, नॉट अ रिस्पॉन्सिबल स्पॉन्सर। दोस्तों वो तो नया बंदा है, राइट। आपको करना क्या है, उस नंबर पे जो DP का है आपको कॉल करना है, उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है, राइट, कि पहले तो आपका टाइमिंग क्या है, फिर जो आपकी बास्केट बनी है उसके सामान उनके पास अवेलेबल है क्या, फिर उन्हें बताएं कि मेरे टीम से सो एंड सो बंदा मैं आपके पास भेजने वाला हूँ। सो हम modicare से अच्छी से सर्विस दीजिए और प्रोडक्ट के लिए एजुकेट करिए, करेक्ट। तो इस तरीके से जब आपका टीम मेंबर न्यू ज्वाइनी वहां पे जाएगा तो कभी निराश नहीं होगा, वो और एक्साइटेड रहेगा और खुश होगा। वेयर एज अगर आपने डायरेक्टली एड्रेस देके भेज दिया, उसे पता नहीं कितने बजे खुलना है, टाइम भी नहीं पता, गया DP बंद, तो क्या होगा? नए एक तो नए आए हैं, मोटिवेशन कुछ इतना नहीं है, तो क्या होगा जाके, अरे DP ओपन ही नहीं रहता। यहाँ गए और अगर सामान नहीं मिला, ऐसे तो हम दूर दूर जाके शॉपिंग करते, लेकिन यहाँ पे जब तक ड्रीम्स का मोटिवेशन बड़ा नहीं होता ना, अगर एक सामान भी नहीं मिला तो वहां पे थोड़ा सा डिसहार्टेड काफी सारे लोग होते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो सही
उसको इनिशियली जो है हैंड होल्डिंग अच्छी तरीके से हो। ये हो गया डीपी के बारे में। अब चलते हैं, देखते हैं हम दोस्तों की ऑनलाइन परचेस कैसे करना, ठीक है? सो ऑनलाइन परचेस देख लेते हैं जल्दी से। सो ऐप में जाके आप आपकी ऐप ओपन करते हो, यहाँ पे शॉपिंग का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे और जब ये ओपन होता है शॉपिंग का, तो यहाँ पे आप देखिए खुद के लिए परचेस है तो सेल्फ आ जाएगा, यहाँ आपका जो आपने एड्रेस डाला है वो एड्रेस आएगा। यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि अल्टरनेट एड्रेस, कोई दूसरे एड्रेस पे डिलीवरी, तो आप अल्टरनेट एड्रेस में वो डिटेल्स डाल के डिलीवरी ले सकते हो। फिर जब आपने ये सिलेक्ट कर दिया, ये हो गया खुद के लिए। अगर आपको आपके डाउनलाइन के लिए परचेस करना है तो डाउनलाइन सिलेक्ट करिए, एमसीए नंबर सिलेक्ट करिए नीचे भी। अगर आपको आपके डाउनलाइन का आपके घर में डिलीवरी चाहिए तो डिफॉल्ट रखिए। अगर आपके डाउनलाइन का आपको डाउनलाइन के एड्रेस पे चाहिए तो उसका एमसीए नंबर डालिए, राइट? तो वो वाला एड्रेस आ जाएगा जो उसके आधार पे था, राइट? और अगर वो डाउनलाइन उस एड्रेस पे नहीं है, किसी और एड्रेस पे मंगाना चाहता है, तो अल्टरनेट एड्रेस आप यूज कर सकते हो। तो काफी फैसिलिटी है जो आपको डाउनलाइन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ अवेलेबल है। देन आपने ये सिलेक्ट किया, फिर तो आपको सिलेक्ट करना है क्या प्रोडक्ट, अलग अलग कैटेगरीज में जाके वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर में आप जाइए, ऐड टू कार्ट करिए, जितने भी प्रोडक्ट चाहिए उसको ऐड टू कार्ट क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपकी ऑर्डर बन जाता है जहाँ पे आपका अमाउंट दिखता है। और इसको आप जब चेकआउट करते हैं, आगे बढ़ते हैं चेकआउट करके, तो अगर आप न्यू ज्वाइनी है तो न्यू ज्वाइनी को तो इस तरह से रीपर्चेज ऑफर दिखते हैं एज पर देयर अमाउंट, क्योंकि यहाँ 3,000 का अमाउंट था, तो 3,000 पे ब्राह्मी क्लिंजर और जो आपका टी ट्री ऑयल, ये है। सो जो भी चाहिए ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर वो न्यू ज्वाइनी नहीं है कोई, ठीक है, कोई ओल्ड है, तो उनको जैसे कि आज की डेट अगर हम देखें तो आज 15 तारीख क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, 17 तारीख है, तो यहाँ पे न्यू ज्वाइनी ऑफर, रिपर्चेज ऑफर ओल्ड जो पुराने लोग हैं उनको नहीं दिखेंगे, जो इस मंथ ज्वाइन हुए हैं उन्हीं को दिखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने ऑफर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफर सिलेक्ट होने के बाद जो फाइनल कार्ट आता है, प्रीव्यू दिखाता है, उसमें ऑप्शन आते हैं पेमेंट के, एम वॉलेट, यूपीआई कार्ड, जो भी ऑप्शन से आपको पे करना है सिलेक्ट करिए, वो साइट ओपन हो जाता है यूपीआई का, डायरेक्टली उस पर लेके जाता है, पेमेंट करिए, आपका जो है ऑर्डर डन, सिंपल है, खूब करिए। अब इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पे ये है कि 2,000 रुपए तक का आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको डिलीवरी फ्री मिलेंगी। अगर आपका ऑर्डर 2,000 से कम का है तो 77 रुपीज डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। दूसरा, आप फ्री प्रोडक्ट लेते हो तो फ्री प्रोडक्ट का 1 रुपया एडिशनल, आपको जो फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है वो 1 रुपए में मिल रहा है, तो वो भी ऐड होगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपका ऑर्डर 1,000-1,500 का है, अभी पूरी डिटेल्स नहीं है आपके पास और खरीदने की कि इतना ही चाहिए, और आपके डाउनलाइंस को भी खरीदना है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकते हैं। कैसे? पहले खुद के ऑर्डर्स ऐड करेंगे, आप जाके खुद का सेल्फ करके ऐड करेंगे जो भी आइटम चाहिए, वापस बैक बैक करके आएंगे, डाउनलाइन सिलेक्ट करेंगे, डाउनलाइन का ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आइटम चाहिए एक ही एड्रेस पे डिलीवरी होंगी इस केस में, और जो टोटल अमाउंट है उसमें दोनों के आप फ्री प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप, अगर आपके हो सकता है परचेज हो चुकी है और आपको क्या 1,000 का और मंगाना है और आपके डाउनलाइन का भी है, तो इस तरीके से आप अपना जो है डिलीवरी चार्जेस सेव भी कर सकते हैं दो ऑर्डर क्लब करके। सो काफी 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 फ्लेक्सिबिलिटी दी है, उसे अच्छे से यूज करके प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम जो है, ओके सो ये तो हो गया ऑनलाइन ऑर्डर। अब मेरे घर सामान आ गए, तो सामान आ गए तो बनता है कि जो मेरे प्रोडक्ट्स आए उसके मैं बैठ के उसको डेमो दिखाओ, यूज कराओ। सो आज हम आपको 5 डेमो दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही जबरदस्त दो डायनामिक लीडर आज इस मीटिंग में है, और वो आपको कुछ 5 प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं शीतू जी को बुलाना चाहूंगी जो आपको डेमो दिखाएंगी। वेलकम शीतू जी। थैंक यू रोशनी जी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ सीटू द्विवेदी।
और मैं आपको आज हमारे मोदी केयर के जो हीरो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। तो जो पहला प्रोडक्ट है हमारा मेडिकल है, जादू जादुई प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप इसको। आपके घर में चांदी की भगवान की मूर्तियां होंगी, या फिर चांदी के बर्तन होते हैं, या फिर चांदी के ऑर्नामेंट होते हैं, तो उनको साफ करने के लिए हम बाहर जाते हैं दोस्तों, तो कम से कम एक उसका 100 से 150 रुपए 200 रुपए जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही मैजिकल है, आप काम कैसे करता है वो हम देखेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छी पैकिंग है इसकी, तो हम ओपन करते हैं। इसके अंदर एक ट्रे दिया हुआ है और ये मेरी चांदी की पायल है, बहुत ही पसंद है मुझे पायल पहनना और बहुत से लोगों की पसंद है दोस्तों। इसको हम इसमें डालते हैं और अभी 1 मिनट हम वेट करेंगे, आप देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों बाहर हमारा बहुत सारा पैसा जाता है, साथ ही साथ हमारी चांदी भी कटने कटर रहता है। और यहाँ पे हम 1 रुपए में अपना जो ऑर्नामेंट है वो साफ कर सकते हैं। ये देखिए 1 मिनट भी नहीं बोल सकते दोस्तों। इससे एक और भी बात पता चलती है आपकी चांदी असली है या नकली है, वो भी आप अच्छे से पता कर सकते हैं। और आपका अगर कोई ऑर्नामेंट बड़ा है या फिर मूर्ति है तो उसको आप कांच के या प्लास्टिक के बाउल में रखिए, ये लिक्विड डालिए और जब वो साफ हो जाता है तो वो लिक्विड आपको वापस इसी बोतल में भरना है। एक एक से कम 250 बार तक आप इसको यूज कर सकते हैं जब तक कि ये लिक्विड काला नहीं हो जाता है। ये देखिए, ये रही हमारी पायल। ये देखिए दोस्तों, ये है दूसरी और ये मैंने साफ की है। तो है ना मैजिक प्रोडक्ट। उसके बाद हम इसको पानी में डाल के कपड़े से पोंछ के रख देंगे। तो ये रहा हमारा पहला प्रोडक्ट। अब चलते हैं घर की सफाई की तरफ। दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है और घर हमारा बहुत ही मक्खियां कॉकरोच सब आते हैं जिससे कि बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मार्केट के जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उससे सिर्फ हम पोछा लगाते हैं, लेकिन क्या जम्स मरते हैं? तो यहाँ पे मैंने दो घर बनाए हैं, उसमें मैंने उजाला यूज किया है आपको गंदगी दिखाने के लिए, बैक्टीरिया दिखाने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है उजाला। तो दोस्तों यहाँ पर एक मार्केट का प्रोडक्ट है, इसमें हम ये डालेंगे और इसमें ये डालेंगे। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। अभी हम इसका डेमो देखेंगे। एक बकेट में हम एक ढक्कन डालते हैं और दूसरे में हम डालते हैं हमारा हीरो प्रोडक्ट। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है इसको। मोदी केयर का स्टेडी केयर, ये दोस्तों बायोस्टेप टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और 18 घंटे आपके घर को सुरक्षित रखता है जम से। अभी काम कैसे करता है वो भी देखते हैं। ये देखिए, ये है मार्केट का, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये साफ नहीं होने वाला है और इसने अपना काम कर दिया है। इसमें बीकेसी का लेबल 12% है, तो ये WHO के हिसाब से भी नंबर 1 क्लीनिंग प्रोडक्ट है और मल्टीपर्पज यूज के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप किचन का प्लेटफॉर्म यूज कर साफ कर सकते हैं, टाइल साफ कर सकते हैं, अपना फर्श तो साफ ही कर सकते हैं, साथ ही साथ फर्नीचर ग्लास विंडो सब साफ कर सकते हैं इसे। अभी आपने एक बार पोछा मार दिया, उसके बाद आपके घर में मेहमान आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, बच्चे बाहर से खेल के आते हैं, तो ये आपका 18 घंटे प्रोटेक्शन देता है। तो ये देखिए, अभी आपको लगेगा इसमें ब्लीच है, तो नहीं दोस्तों, अगर ब्लीच होता तो ये कलर भी जाता। ये देखिए, ये कलर है इस प्रोडक्ट का। तो है ना हमारे प्रोडक्ट जादुई। थैंक यू सो मच, फिर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वाह वाह, सुपर सुपर। चलिए एक और हमारे लीडर को बुलाते हैं और उनसे देखते हैं अगले 3 डेमो। वेलकम अनुजा जी। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों जैसे शीतू जी ने अभी बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही मैजिकल है, तो हमारे पास 14 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं बताऊंगी हमारा पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट है। अभी डियोस तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है फिल्म्स, लेकिन मार्केट के जो डियोस है उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं,
हमारा ये जो मोदी केयर का डीओ है वो बिल्कुल भी केमिकल से नहीं बनाई, हमारे स्किन को फ्रेंडली है और हमारे स्किन में कोई तरह की इरिटेशन नहीं करता। तो एक डेमो से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने दो फेसेस बनाए हुए हैं। तो एक फेस पे मैं स्प्रे कर रही हूँ मार्केट का ये डीओ जो पूरा एल्कोहल से भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं बेचारा तो रोने लग गया है। और दूसरे फेस पे मैं अभी स्प्रे करने वाली हूँ हमारे मोदी केयर का एसेंशियल का ये ओरिएंटल स्पाइस जो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं डीओ स्प्रे कर रही हूँ लेकिन स्किन पे उसका बिल्कुल भी कोई असर नहीं हो रहा है, पर खुशबू बहुत बढ़िया है। तो डीओ का काम है हमारी स्किन की बाहर की लेयर पे जो जर्म्स होते हैं पसीने की वजह से जो बदबू फैलाते हैं उनको कंट्रोल में रखना। लेकिन ये देखिए जो मार्केट का डीओ है वो पूरी स्किन में फैल रहा है, स्किन के अंदर तक जा रहा है, अंदर के लेयर्स तक भी पहुंच रहा है। तो मार्केट के हार्मफुल केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स यूज करके हमारी स्किन को खराब क्यों करना, उससे अच्छा हम यूज करेंगे हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जो क्रुएल्टी एनिमल क्रुएल्टी फ्री है और हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, जो हमारे स्किन में बिल्कुल भी किसी प्रकार का इरिटेशन या रैशेस नहीं पैदा करते। तो फ्रेंड ये तो है एक पर्सनल केयर का प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी कि मोदी केयर का, अब जैसे त्योहारों का सीजन आया है घर को तो साफ रखना ही है, उसके साथ साथ हमें जो है अभी पूजा पाठ का, श्रावण का महीना चल रहा है तो पूजा पाठ में सब लोग बिजी रहते हैं, तो पूजा के जो ये तांबे के बर्तन है उनको क्लीन करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये है हमारा मोदी केयर का स्पिक एंड स्पैन जो बेसिकली एक बाथरूम क्लीनर है, लेकिन इससे हम हमारे पूजा के बर्तन तांबे के बर्तन इजीली साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक थाली पे थोड़ा सा स्पिक एंड स्पैन डाला है और बस ब्रश से हल्के से इसको मैं फैला रही हूँ। तो बाथरूम के टाइल स्टेप्स स्पिक एंड स्पैन क्लीन कर ही देता है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि जहां जहां मैंने स्पिक एंड स्पैन को पोर किया है वहां वहां पे मेरी थाली जो है वो चमकने लगी है। और ऐसे ही हमारे सभी तांबे के बर्तन हम चुटकियों में स्पिक एंड स्पैन से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा रोजमर्रा का प्रोडक्ट जो हमें लगता है सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद एक काम होता है नहाना। तो ये है हमारा सॉफ्ट वॉश का पर्ल सोप, ये 3-in-1 बेनिफिट के साथ आता है, इसलिए हमारी स्किन को डिओड्राइज भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है और एंटीबैक्टीरियल भी है। तो एक सिंबॉलिक डेमो से हम देखेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्किन को क्लीन करता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो गंदी बॉडीज बनी हुई है, एक बॉडी में मैं यूज कर रही हूँ मार्केट का ये प्रोडक्ट जो 1/4 मॉइस्चराइजर से बना है और दूसरे में मैं डाल रही हूँ ये हमारा सॉफ्ट वॉश का पर्ल सोप। अब हम क्या करेंगे इन दोनों बॉडीज को जो है क्लीन करेंगे और देखेंगे कि राइट साइड में मैंने डाला है मोदी केयर का प्रोडक्ट और लेफ्ट वाले में मैंने डाला है मार्केट का प्रोडक्ट। तो ये है मोदी केयर के प्रोडक्ट से जो है वो सफाई हो रही है, क्योंकि 3-in-1 क्वालिटी का है तो हमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सोप यूज करने की जरूरत नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोदी केयर का प्रोडक्ट काम करने लगा है, यही पे मैं यूज करी मार्केट का प्रोडक्ट, मॉइस्चराइजर से बना है, सिर्फ स्किन को सॉफ्ट रखेगा, एंटीबैक्टीरियल नहीं रहेगा, डिओड्राइज नहीं करेगा। और हमारा जो मोदी केयर का सोप है उसका TFM 76% है, तो Grade 1 का ये साबुन है। और आप देख सकते हैं कि इसने अपना काम करना शुरू किया है, धीरे धीरे ये बदबू भी हटा रहा है, स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और एंटी बैक्टीरिया का भी काम कर दिया है, बैक्टीरिया को भी किल कर दिया है। तो ऐसे ही हमारे ये 3-in-1 बेनिफिट वाला सॉफ्ट वॉश पर्ल सोप आज ही खरीदिए। थैंक यू मैम एंड ओवर टू यू। सुपर, थैंक यू सो मच शीतू, थैंक यू सो मच अनुजा। दोस्तों ये 5 प्रोडक्ट के डेमो आपको रखने हैं और फटाफट क्विक क्विक दिखा देने हैं और मैजिक करते हैं ये डेमोस। यहाँ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आप देखिए स्टेरिक्लिन से 3 लीटर बन जाता है, छोटी सी बॉटल से लगभग 40 रुपया लीटर पड़ता है, वहीं ये सोप गलते कम है चलते ज्यादा है। तो ये थे हमारे 5 प्रोडक्ट के डेमो, जब आप ये वीडियो वापस अपने डाउनलाइंस को दिखाओगे तो आपके लिए इजी होगा कि उनको 5 डेमो के लिए ट्रेन कर देना और उनका डेमो किट तैयार कर देना विथ 5 प्रोडक्ट एटलीस्ट। इसके बाद बिल्कुल मैं सभी से कहिए कहूंगी कि एंड तक रुकिए, क्योंकि एक एक चीज जो शायद आप चाहते हैं कि काश कोई सिखा दे, राइट, वो आपको आज इस सेशन में मिलेंगी। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, नेक्स्ट जो आता है आपने उनकी डेमो किट बना दी, अब
आपको देना है उनको ऑनलाइन डिजिटल शॉप। जब हम किसी को रजिस्टर करते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपको देने वाले हैं डिजिटल शॉप, एक डिजिटल शॉप जो अमेजोन जैसी होती है, जो फ्लिपकार्ट जैसी होती है, और आपको फ्री में मिल रही है मोदी केयर से। किस तरीके से? आप अपने आप जब लॉग इन करते हो तो वहां पे आपको माई मोदी केयर शॉप का आइकन रहता है, उस पर जब आप क्लिक करोगे, चलिए आपकी सिखाते हैं कि कैसे बनाना है डिजिटल शॉप का लिंक। क्लिक करोगे तो ऐसा आपका साइट पेज ओपन होता है ऐप में, और वहां पे यूआरएल रहता है। आप अपनी शॉप का नाम डिसाइड कर सकते हैं, फोटो अपलोड करिए, एंड उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो, राइट, ये लिंक पे क्लिक करते हो तो ये पॉपअप आता है जहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है कि आप जो अपनी शॉप से आपके कस्टमर, आपके फ्रेंड को डिस्काउंट देना चाहते हो, वो मेंशन करिए, 5%, 10% या 0%। आप वो मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जब भी परचेस होंगी तो ये डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और नाम डालिए और व्हाट्सएप में भेजिए, और जब आप इसको व्हाट्सएप में भेजते हैं, आपने ये सिलेक्ट किया तो वो लिंक इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से वो मैसेज व्हाट्सएप में डाल जाता है। रोशनी, जैसे ये मेरी शॉप थी, रोशनी अरोरा शॉप, नाउ एक्सक्लूसिव ऑफर, मैंने 10% का ऑफर दिया है, और इसमें ये कैटेगरीज के प्रोडक्ट है, और वो उस पर्सन को कह रहा है कि यहाँ क्लिक करके आप अपनी परचेस करिए। तो सोचिए, आपके दोस्त या आपके फ्रेंड को राखी का कुछ गिफ्ट भेजना है अपने भाई या बहन को, और आपने ये भेजा, और कुछ अच्छे से जैसे हैम का गिफ्ट हैम्पर का डिटेल भेज दिया और भाई को भेजना है, तो वो साथ में एक वीडियो या डिटेल भेज दीजिए, और यहाँ क्लिक करके जब वो परचेस करने जाते हैं तो इस तरह की पेज ओपन होता है जिसमें पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके वो परचेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसका पेमेंट करेंगे, कंपनी उनके घर में डिलीवरी दे देंगी, आपको जो है डिफरेंस बेनिफिट भी मिल जाएगा, और साथ साथ में डिलीवरी भी कंपनी फ्री में कर रही है। इतना ही नहीं, कस्टमर को क्या मिलेगा, आप ये भी भेजिए, ये ऑफर्स भी आप उनको दे सकते हैं, डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भी पेज आप उनको भेजिए कि अगर आपकी परचेज जो है 1250 की होती है तो आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलता है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो, 2500 रुपए में ये और 3750 रुपए में ये। तो आप कस्टमर को जो है दे रहे हैं 10% तक का डिस्काउंट, 10% का फ्री प्रोडक्ट, मेंशन करिए कि 20% बेनिफिट। एंड दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट 30% ज्यादा चलते हैं मार्केट के प्रोडक्ट्स के कंपेयर में, तो आपने 50% का बेनिफिट, आपने 50 लोगों को ये लिंक भेज दी, अच्छे अच्छे उसमें वीडियो क्लिप डाल के, और उन्होंने क्लिक करके अपनी अपनी परचेस कर ली, आपका 100 PV 200 PV घर बैठे हो जाएगा। तो ये करिए, ये कराइए, और खूब पैसे कमाइए। तो ये है आपकी डिजिटल शॉप जो मोदी केयर देता है आपको फ्री में, तो इसको भरपूर यूज करिए, राइट। देन कम्स, अब ये तो हो गया, फिर क्वेश्चन आता है पीवीपीवी क्या है, जो नए ज्वाइनी आते हैं हमारे भी ऐसा लगता है यार पीवीपी समझाए कैसे, प्रोडक्ट के वो तो बता दिए, कुछ लोग आगे कहते हैं अरे मैंने तो 5000 का खरीद लिया सामान, लेकिन मेरे तो पॉइंट्स तो देखो कितने कम। तो पीवीपीवी क्या है, शॉर्ट में समझाते हैं आपको, राइट। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं जो मोदी केयर के लोगों को, मोदी केयर के न्यू ज्वाइनिस को समझाना जरूरी है। एमआरपी, जो भी प्रोडक्ट पे प्राइस लिखा रहता है वो एमआरपी प्राइस कस्टमर के लिए होता है, उसके बाद डीपी प्राइस जो होता है वो हम कंसल्टेंट के लिए होता है प्राइस, जो डिस्काउंटेड प्राइस हमें मिलता है। तो जब हम एमआरपी प्राइस में किसी कस्टमर को बेचते हैं तो हमें मिलता है रिटेल मार्जिन, मतलब एमआरपी माइनस डीपी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा 225 रुपए का, ठीक है, और उसकी डीपी प्राइस है 200 रुपए, तो मुझे 25 रुपए का रिटेल मार्जिन मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, राइट। अब देन आता है बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। हमारे हर प्रोडक्ट में पर्टिकुलर बिजनेस वॉल्यूम है, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 30-35, किसी में 40%, किसी में 50-55, 60-65, इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट में। जनरली जो हमारे वेल के और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं उनमें 55 से लेके 65% तक हमारा जो है बिजनेस वॉल्यूम है, वेयर एज जो पर्सनल केयर है, होम केयर है, वो 40-55% तक हमारे बिजनेस वॉल्यूम है। तो इस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं कि आप जो है कॉम्बिनेशन में परचेस करते हो तो आपको एवरेज 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने परचेस किया 200 रुपए का, और उस प्रोडक्ट में 50% बिजनेस वॉल्यूम है, तो चैट बॉक्स में लिखिए कितना बीवी,
मिलेगा उसको 50% बिजनेस वॉल्यूम है, तो कितना पीवी हो जाएगा? 100 पीवी। अब पीवी क्या होता है? पॉइंट वैल्यू, जो आपका पॉइंट्स देती है जिससे आपका टाइटल बढ़ता है। सो 1 पीवी इक्वल टू 27 बीवी। सो अब जब आपको 100 बीवी मिले हैं तो कितने पीवी मिले हैं, या आप निकाल सकते हो 100 डिवाइडेड बाय 27, तो आपके पॉइंट्स निकल जाएंगे। सो ये होते हैं पॉइंट वैल्यू, इसका यूज भी समझाएंगे, राइट? देन आपकी पर्सनल परचेस को बोलते हैं पर्सनल पीवी, और आप और आपकी टीम की परचेस जब होती है तो ग्रुप पीवी और ग्रुप बीवी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेटली ये बेसिक समझने के लिए बता रहे हैं, आपको एडवांस भी सिखाएंगे जरूर हम कैलकुलेशंस, राइट? आप एक छोटा सा कैलकुलेशन, आप सब जितने लोग हैं यहाँ पे करिए एक सिंपल कैलकुलेशन, जो आप भी अपने डाउनलाइंस को, सपोज आपके किसी डाउनलाइंस न्यू ज्वाइनी ने परचेस की कुछ प्रोडक्ट्स जिनके ये रेट लिखे हुए हैं, टोटल ये एमआरपी हो गया 3623, और उनका आपने डीपी प्राइस लिखा कि ये डीपी प्राइस में मिले, और टोटल डीपी प्राइस हो गया 3173, तो ये था उनका एमआरपी टोटल, और ये डिस्काउंट के बाद उनको 3179 पे मिल गया। तो चलिए देखते हैं फायदा क्या हुआ। पहला तो उनका जो है रिटेल प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? लगभग 4444, हमने जो डिफरेंस निकाला दोनों का, तो रिटेल प्रॉफिट उनका 4444 हो गया। अब इसमें अप्रोक्सीमेट जो उनका डीपी परचेज है उसमें उनका 50% का मार्जिन है, बीवी है, 50% बिजनेस वॉल्यूम है। सो 50% बिजनेस वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो होते हैं हमारे 1590 बीवी, 1590 बीवी हमें मिले, और इसमें पीवी हम देखते कितने हुए हमारे, तो इसको डिवाइड कर दिया 27 से तो हमें मिले 59 पीवी, राइट? 59 पीवी के अकॉर्डिंगली आप 7% पे हो, जो चार्ट हम आपको दिखाएंगे अभी, और ये बिजनेस वॉल्यूम पे 7% के अकॉर्डिंगली आपका कितना चेक आएगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 1590 रुपए का 7% मतलब 111 रुपए का आपको पहला चेक बनेगा, जो आपकी खुद की परचेस पे मिलने वाला है ना? सिंपल। सो इजीली आप अपने पीवी बीवी और एक छोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं न्यू ज्वाइनी, इस तरीके से आपका 7% रहता है और आप 10% पे जाते हो। रचना, रचना जी है क्या? एक छोटा टॉपिक बचा है, अगर आप परमिशन रही तो हम 2-5 मिनट और करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये है हमारा 7% जब आपके ग्रुप पीवी, एक्यूमुलेटेड ग्रुप पीवी 1 to less than 300 होते हैं, देन आप जब सीन आपके पॉइंट जो है 300 to less than 1200 होते हैं, तो आप सीनियर कंसल्टेंट बनते हो। लेकिन फास्ट सीनियर कंसल्टेंट जब आए हैं बिजनेस में तो फास्ट करेंगे, अगर आप ज्वाइनिंग मंथ में ही आपका परचेस ग्रुप पीवी 240 पॉइंट का हो जाता है तो आप फास्ट सीनियर कंसल्टेंट बनते हो। तो जो भी ज्वाइन हो रहा है तो उसे एफएसपी जरूर बताए, उसको देखते हैं हम एफएसपी क्या है, क्योंकि एफएसपी एक ऐसा रास्ता है जो निश्चित आपका स्ट्रक्चर अच्छा बनाता है और आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। क्या है एफएसपी? एफएसपी आपको करना है 240 पॉइंट, तो खुद होम शॉप शुरू कर सकते हैं, 10-12 हजार रुपए के किट खरीदिए, अपने दोस्तों को दीजिए, और उन्हीं में से आपको 3-4 ज्वाइनिंग मिल जाएंगी। तो ये होम शॉप भी आपका सामान की अवेलेबिलिटी होगी। दूसरा ऑप्शन है कि 100 पीवी आप करिए, अपने नीचे 2 लोगों को 100 पीवी करा देते हो तो आपका एफएसपी हो जाता है। तीसरा ऑप्शन ये है जो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर के साथ बनता है, 50 पीवी आप कर रहे हो और अपने नीचे 4 लोगों को 50 पीवी कराते हो तो आपका 250 पॉइंट हो जाता है, फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हो आप, और आपको कंपनी 778 रुपीज के फ्री, 300 रुपए तक का कैशबैक भी आता है, और 778 रुपीज के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। आप सोचिए कोई नया ज्वाइनी आया, 300 रुपए कैशबैक और लगभग 1000 रुपए एमआरपी के फ्री प्रोडक्ट मिल गए, प्लस डिस्काउंट मिल गया, कुछ होगा कि नहीं, और स्ट्रक्चर भी अच्छा बन गया। तो इसको आप एक गोल सेट कर सकते हैं न्यू ज्वाइनी को एफएसपी करने का, और फिर नीचे बाद में एफएसपी कराओ, एफएसपी करो, एफएसपी कराओ, एफएसपी करो, एफएसपी कराओ, और मिलेनियर की तरफ बढ़ते जाओ। सो दोस्तों, टू अर्न मोर यू हैव टू लर्न मोर, तो यही कहेंगे जो सुरेखा मैम भी कहती है कि करिए, सीखिए, करिए और कराइए और उसको रिपीट कराइए। और इसी तरीके से आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, कुछ वैल्यू ऐड कर सकी होंगी जो आपके टीम डेवलपमेंट में, आपको और आपके टीम डेवलपमेंट में
डेफिनेटली यूजफुल होंगी। बिल्कुल, इसको फिर से देखिए, अपने टीम को भी दिखाइए, और एक पूरे इंडिया में मोदी केयर का एक स्ट्रॉन्ग बेस अच्छी डेवलप, क्योंकि समीर मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ ला रहे हैं, उसके लिए उन्हें थैंक यू। और उस बड़ी सब बड़ा बिजनेस करने के लिए जरूरी है कि हमारी टीम में हम अच्छे लीडर बनाए, इंडिपेंडेंट लीडर बनाए, और इसको अच्छे बिजनेस को डेवलप करें। तो थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बड़ी सक्सेस के लिए। ओवर टू यू अनुजा। थैंक यू सो वेरी मच मैम। आज आपने हमें बेसिक्स जो इतने अच्छे से सिखाए हैं, तो ऑफ कोर्स बेस अच्छा रहेगा तो बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनेगी, बिजनेस बहुत अच्छे से बिल्ड होगा और हमारे सारे डाउनलाइंस को भी इसका हेल्प होगा। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हमें जरूर मिलनी चाहिए ताकि हम लगातार इसको देख सके और हमारे डाउनलाइंस को भी इसके साथ शेयर कर सके ताकि हर एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लियर हो जाए। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी सुरेखा मैम का, ये अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए बनाया है जहाँ पे हम सब मिलके अच्छे अच्छे मेंटर्स से अच्छी बातें सीख सके और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आज हम विदा लेते हैं। इस सेशन में आपने जो भी सीखा है उसको प्लीज इम्प्लीमेंट करें और अपने डाउनलाइंस तक पहुंचाए। मंडे को, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, तो हमारा लीप का प्रोग्राम जो है उस दिन के लिए छुट्टी रहेगी लीप पर, लेकिन वेनेसडे को हम सभी को वापस ज्वाइन करना है लीव प्लेटफॉर्म पे फास्ट स्टार्ट वेनेसडे के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।